उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र में करीब 3 महीने पहले एक परिवार आया और किराए का मकान लेकर रहने लगा। उक्त परिवार अलग अलग शहरों में रहकर फरारी काट रहा है। उक्त परिवार ब्रजेश श्रीवास्तव और उसके परिवार के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश में लोगों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की और पैसे लेकर उत्तर प्रदेश से फरार हो गया। कानपुर और अन्य शहरों में पुलिस ने मामले दर्ज कर लिए हैं और कानपुर पुलिस इस जालसाज परिवार को ढूंढ रही थी। पीड़ित लोगों को सूचना मिली और जानकारी मिली कि जालसाज परिवार उज्जैन में रह रहा है। उत्तर प्रदेश से युवक उज्जैन आए कार में सवार होकर और उत्तर प्रदेश पासिंग कार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो वाला झंडा लगाकर मध्य प्रदेश में प्रवेश किया। उज्जैन जिले में आकर नवनीत उम्र 24 वर्ष के साथ मारपीट की और कार में बैठकर उत्तर प्रदेश के लिए निकल गए। पुलिस ने घेराबंदी की और अपहरण कर ले जा रहे युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।